हेलो फ्रेंड्स, सीरीज में ये है अपने पास कि बैंक निफ्टी में आज का क्या और कैसे मूवमेंट रहा उसे हमें देखना है, राइट। तो चलिए फटाफट आते हैं मुद्दे पे। इसे बार चार्ट बोलते हैं, कलर बार चार्ट, ठीक है। ये डेली टाइम फ्रेम पे है। आज आप देखेंगे ये एक गैप अप देने के बाद ना ये एक बियर कैंडल बना है, रेड बोले तो बियर कैंडल, ठीक है। तो यहाँ पे सेम एज अ सिनारियो हमारा इसका लो नहीं टूटा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम ये सोच रहे हैं कि एक बुलिश ट्रेंड पे हमारा राइट चल रहा है और उस पे हमें बने रहना है, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा कि सीरीज में दो तीन चीजें हम लोग देखेंगे, एक स्ट्रक्चर ऑफ पैटर्न की, चार्ट का स्ट्रक्चर क्या बोल रहा है, और देखेंगे ओआई, ओआई बोले तो डेटा, ऑप्शन चेन पे डेटा देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने बताया मैं बुलिश हूँ, कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में और टेलीग्राम पे मैंने कॉल दे रखा है। तो चलिए ओआई पे आते हैं। ओआई आज का क्या बना है, बैंक निफ्टी, राइट। इसको रेफरेंस करते हैं, करेक्ट। तो 12 लाख अलाउड क्वांटिटी क्या बोलता है, मार्केट विल बी कम डाउन। 13 लाख समथिंग क्वांटिटी क्या बोल रहा है, मार्केट विल गो अप। तो ये फिर से वो शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, ध्यान से सुनिएगा आप। ये जो डेटा आया है ना वो डोजी डेटा है, मतलब विक्स बना रहा है चार्ट, हमको विक्स बना रहा है। जैसे ये हुआ, नीचे आया, ऊपर गया, ये रहा यहाँ पे, ठीक है। विक्स बोले तो आप देख सकते हैं ये रहा, ठीक है, बीच में ही क्लोज हो गया, एक डोजी की तरह ये रहा, बीच में क्लोज हो गया। तो ये कंफ्यूज करता है कहीं ना कहीं, देखो ये कंफ्यूज किया, गैप अप खुला और तोड़ दिया एकदम मार्केट को, ठीक है। तो ये इस तरीके का चीज है। तो चार्ट पैटर्न से मैं बुलिश हूं, क्या हूं मैं बुलिश हूं आपको बीएनएफ में, राइट। चलिए निफ्टी में आते हैं फटाफट। निफ्टी क्या बोलता है, निफ्टी में भी सेम सिनारियो है। ये इतना भी नीचे नहीं आया है कि रीसेंट स्विंग लो ना तोड़ दे, ठीक है। तो इन सारे चीजों को देखते हुए मैं भी अभी इसमें बुलिश हूं, लेकिन इसका डेटा थोड़ा सा उल्टा इशारा कर रहा है। आइए दिखाते हैं कैसे। दिस क्वांटिटी 21 लाख क्वांटिटी क्या बोल रहा है, मार्केट विल कम डाउन। और 12 लाख क्वांटिटी क्या बोल रहा है, मार्केट विल गो अप, राइट। आप देखिएगा इधर ऑप्शन राइटर का डेटा आता है, तो अभी ये डाउन साइड ना निफ्टी एक स्ट्रॉन्ग साइन दे रहा है, मतलब जो इसका इशारा है। निफ्टी में आपको पता है निफ्टी 50 इंडिया की टॉप 50 कंपनीज वर्किंग हियर, तो इसमें इसका इशारा एज ए बैंक निफ्टी ना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन स्टिल आई एम स्टैंडिंग इन द पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि मुझे यहां से ब्रेकआउट चाहिए जो ये दे नहीं रहा है, ठीक है। आप देखेंगे ध्यान से तो इसको तोड़ने में ना इसको बहुत टाइम लगेगा। ये जो रेंज हमारा यहाँ पे बना हुआ है इसको, इस बैंड को तोड़ने में बहुत टाइम लगेगा। सो ओवरऑल मोर देन 70% मोमेंट आई एम लुकिंग फॉर बुलिश मार्केट टुमारो, ठीक है। एसजेएक्स पे, एसजेएक्स पे आप आएंगे तो ज्यादा डिफरेंसेस तो नहीं है। इसको 10-20 प्लस माइनस हो रहा है, ये ओवर द नाइट ना चेंज भी हो सकता है, ठीक है। तो चलिए आप प्लान कीजिए कुछ ऐसे ही कि अभी भी बुलिश ट्रेंड है, देखते हैं आगे क्या होता है। टेलीग्राम पे इसी के बेसिस पे मैं ट्रेड देता हूँ, जिसके सक्सेस एक्यूरेसी रेशियो जो है ना, जिसको यू कैन से द गुड एक्यूरेसी मोर देन 80%, ठीक है जी। आप सबको सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, आप बने रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू।